Ophiopteryx camellia sinensis is the botanical name of this crop, that is to plantation crop. They are grown in the large scale on the, that's called the real estate, okay. So mostly are grown by hills of the Assam, that is two hills of the Assam. So Assam is the origin place also of the tea, camellia sinensis. Mostly the leaf part they are used for the processing and tea making. So to start they have to the कंटिन्यू प्लास्टो दैट इज टू कमेलिया साइनेंसिस फैमिली थियेसी में रखा गया है. कमेलिया साइनेंसिस जीनस कमेलिया है, साइनेंसिस इज द स्पीसीज. ओके तो द क्रोमोसोम नंबर इज द 30 क्रोमोसोम नंबर में इसको दे हैव टू डिप्लॉयड नंबर इज द 30 एंड टेट्राप्लॉयड इज द 60. ओके तो दैट इज टू कमेलिया साइनेंसिस इज द बॉटनिकल नेम ऑफ दिस क्रॉप. वेरी इंपॉर्टेंट रियल इस्टेट ऑफ टी हमेशा यूज करते हैं डेली टू हैव देयर डिफरेंट टाइप ऑफ टी देयर देयर आफ्टर द प्रोसेसिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द टी. ओके सो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द कमेलिया स्पीसीज दैट इज टू द सम जापानीज कमेलियंस आर नन टू द मोर देन 500 ईयर ओल्ड टू हैव टू द कलेक्टेड द स्टेन्स टू द कमेलिया अरब इन यूरोप फ्रॉम द ओरिएंटल ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी. ओके so the it's reached in the western world during the 1800 of the England, France, Belgium, Italy, and the American Camellia Society have to put camellia that were introduced before the World War One and the category called the antique, and have to the camellias collecting increased in the popularity during the 1950s. Okay, so the introductory part have to the come here to the tea was formerly named the Thia Japonesis. Japan logon ne isko introduce kiya tha Thia Japonesis, that is to later the Linnaeus is to change the name Thia sinensis. Okay, so 1959 the generic name was changed in the camellia. Kab change hua tha? 1959 mein. Okay, so discovered the Chinese around 2700 BC in the Southeast Asia. So that is the origin place of this crop. Okay. Nowadays tea is cultivated in China, Japan, India, Sri Lanka, that is Indonesia, South America, Asia countries, the high altitude region of the Africa, Middle East, and Australia, Russia. Okay. So there are the two main varieties they are grown of the tea, that is the sinensis, the China plant, that is small leaves, that is. कमेलिया साइनेंसिस. इसमें क्या होता है कमेलिया साइनेंसिस में छोटी लीफ होती है, ठीक है. एंड आसाम में हैव टू द लार्ज लीफ. तो आसाम प्लांट द लार्ज लीफ दैट इज कमेलिया साइनेंसिस वैरायटी असामी का. दैट इज टू स्ट्रेन्स हियर, कमेलिया साइनेंसिस वैरायटी साइनेंसिस एंड कमेलिया साइनेंसिस वैरायटी असामी का. तो मोस्टली जो छोटी पत्ती वाली चाय होती है दैट हाईली स्ट्रॉन्ग होती है. तो दैट टू दे आर यूज इन द आसाम हिल्स जोन. ओके तो अंडरस्टूड हो गए दैट इज टू पहले इसका थिया जापोनेंसिस इसका नाम था, बाद में इसको लीनियस ने जो आपके बाइनोमियल नमन क्लेचर के जन्मदाता हैं उन्होंने इसका नाम थिया साइनेंसिस कर दिया था, जो बाद में बदलकर 1959 में इसका नाम हो गया था कमेलिया साइनेंसिस. ओके तो दैट इज टू द स्टार्टिंग हिस्ट्री ऑफ दिस क्रॉप. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल टू द सी हाउ मेनी स्टूडेंट दे आर ऑल्सो फॉर द एंट्री वन टू द एंट्री लॉट ऑफ स्टूडेंट इज देयर. ओके तो हियर टू अगेन टू स्टार्ट अगेन टू द हैव टू कंटिन्यू कर लिया करो. तो अगेन टू समझ गए हो चाइना टी के बारे में. टी में दो स्पीसीज हैं, एक तो है कमेलिया साइनेंसिस वैरायटी साइनेंसिस जिसको असामी का बोलते हैं, एक असामी का है एक साइनेंसिस है, ठीक है. कमेलिया साइनेंसिस वैरायटी साइनेंसिस एंड कमेलिया साइनेंसिस वैरायटी असामी का. ओके तो कमेलिया साइनेंसिस वैरायटी साइनेंसिस की स्मॉल लीफ हैं और दैट इज टू कमेलिया साइनेंसिस असामी का की लार्ज लीफ हैं. दे इस तरह से ओवर हम इसको दे हैव टू क्लासिफाइड द कमेलिया साइनेंसिस ये टू कमेलिया साइनेंसिस साइनेंसिस ये द दो कंपैरिजन टू टेबल्स हियर टू कमेलिया साइनेंसिस सी एस एस लिखा हुआ है. कमेलिया साइनेंसिस साइनेंसिस का मतलब होगा वैरायटी साइनेंसिस स्मॉल लीफ बुश टाइप है एंड कमेलिया साइनेंसिस असामी का अंदर लार्ज लीफ टाइप भी हो गया, ठीक है. दोनों का कंपेरिजन किया गया है. बुशेस अप टू द 1 मीटर हाइट तक होते हैं, बुशेस अप टू द 20 मीटर हाइट तक होते हैं, ठीक है. लीव अप टू द 8 सेंटीमीटर लेंथ एंड लीव अप टू द 20 सेंटीमीटर लेंथ एंड लॉन्ग जिन ग्रीन टी होती है जिसमें टी दैट इज टी ट्रीज इन द एनम टाइप का टू अर्थ टी बोलते हैं इसको, टू अर्थ टी इसका नाम है.
और दोनों में कंपैरिजन यहाँ पे हमने किया है, कैमेलिया साइनेंसिस वैरायटी साइनेंसिस जो हाईली बुशी टाइप प्लांट है, और कैमेलिया साइनेंसिस असामी का दैट द ट्री टाइप है, ठीक है ना। तो कैमेलिया यहाँ पर क्या है, जेनेरिक ग्रुप है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। दो ग्रुप है, कैमेलिया साइनेंसिस वैरायटी साइनेंसिस और कैमेलिया साइनेंसिस वैरायटी असामी का, क्लियर हो रहा। इधर आ जाते हैं तो हम इसको अगर हम ब्रॉडली देखें तो फ्रेश टी दे हैव टू ऑन द बेसिस ऑफ ली हैव दे हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स, व्हाइट टी, ग्रीन टी, दैट इज मचा, ओबलोंग ट्री, ब्लैक ट्री एंड टू अर्ल टी। सो दे हैव टू डिफरेंट प्रोसेस दे आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टी। तो इसमें व्हाइट टी में क्या करते हैं, व्हाइट टी को कलेक्ट करने के बाद इसको वेदर करते हैं और ड्राइड करके इसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ग्रीन टी में क्या है, वेदरिंग करेंगे, फिर पैन फायर करेंगे, स्टीमिंग करेंगे, इसके बाद ड्राइड करेंगे, फिर यूज करेंगे। एंड मैचा में क्या होता है, दैट इज सेडेड 21 डेज, इसको शेड में रखेंगे, इसके बाद स्टीम्ड ड्राइड एंड डिवाइन एंड स्टोन विल ग्राउंड आफ्टर दैट टू प्रिपरेशन ऑफ द टी। ओब्लोंग टी में क्या करते हैं, वेदर करते हैं टू ब्रश्ड ब्रॉल्ड एंड कंट्रोल्ड, पार्शियली ऑक्सीडेशन करते हैं, शेप करते हैं, फिर ड्राइड करते हैं। ब्लैक टी में क्या होता है, ब्लेंड करते हैं, रोलिंग करते हैं, फुल ऑक्सीडेशन एंड ड्राइड एंड फॉर्मेशन ऑफ द टी। एंड पोअर टी में क्या होता है, ब्लेंड करेंगे, हीटेड करेंगे, रोल्ड करेंगे, फर्मेंटेड करेंगे। तो दे हैव टू डिफरेंट प्रोसेस ऑफ फर्मेंटिंग ऑफ द टी, दे हैव टू नन फॉर द इन द मार्केट, तो मार्केट अवेलेबल इन द व्हाइट टी, ग्रीन टी, मचा, ओब्लोंग टी, ब्लैक टी एंड पोअर टी। दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द टी दे आर अवेलेबल इन योर मार्केट, ठीक है, ये समझ में आ रहा है इतनी चीजें। यो दे हैव टू अवेलेबल, ग्रीन टी कैसे बनती है, दे हैव टू डिफरेंट प्रोसीडिंग प्रोसेस है जो हम आपको प्रोसेसिंग में बताएंगे, ठीक है, दे हैव टू एक्सपोज इन द प्रोसेसिंग, क्लियर हो रहा है। ये है देखा ओरिजिनल डोमेस्टिकेशन ऑफ द टी, आप देख रहे हैं आसाम चाइना रीजन में दे हैव टू ओरिजिनेटेड, आफ्टर दैट टू हैव टू दे हैव टू सेंड टू द डिफरेंट कंट्रीज, अफ्रीका इज आल्सो द ग्रोइंग country of the growing of the tea, okay, to send to the different other end of the hello tea. Here tea production and consumption है जो इनको एडमिट करना है, यही आया, एक और कर देते हैं, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो जितने भी से मैंने कर लिए हैं प्रोडक्शन टी में आ जाते हैं। ये देखो टी प्रोडक्शन में मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन्स, ठीक है, इंडिया है, चाइना, श्रीलंका एंड अफ्रीका है। तो दे हैव टू द परसेंट में है, टोटल एलोन 27% इंडिया इज प्रोड्यूस द टी, आफ्टर देन टू चाइना 21%, श्रीलंका 9% एंड इंक्रीजिंग, अफ्रीका हैव टू दैट रैंक ऑफ द 15% एलोन टू दैट प्रोड्यूस। तो दे हैव टू कंपेरिजन ऑफ द फोर कंट्रीज हियर टू द प्रोडक्शन ऑफ द टी, ओके, मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन द वर्ल्ड, ओके, here to being have to 50% of total production and of the producing regions में यहाँ देख सकते हो एशिया में their production in tons में दिया गया, 1000 tons में दिया गया है, 21 यहाँ पर 21,680,000 tons is the production of Asia, यानी 21,680,000 that is the production ton in the Asia, यूरोप में 1000 ही है, अफ्रीका में 395,000 है, नॉर्थ अमेरिका में नहीं होता है, साउथ अमेरिका में 57,000 टन प्रोडक्शन ऑफ द टी। सो दे आर द टोटल मेजर प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ द टी प्रोडक्शन, ओके, दैट इज टू कंजप्शन ऑफ, ओके, सो टी दैट इज टू मेजर इंपोर्टर, इंपोर्टर समझते हो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो होते हैं, लेना और देना, ठीक है ना, एक्सपोर्ट मीन्स देना, इंपोर्ट मीन्स लेना, क्लियर हो रहा है। So here the they are also in the 1000 ton the data here to the major producing consumed locally by the Asia 311,000 ton alone, okay, Europe mein 227,000 ton, Africa 157, North America 104, South America 16,000 ton is the major importer of the tea, okay, तो दैट इज टू इतना आपको प्रोडक्शन क्लियर हो गया। आफ्टर देन टू मीनिंग ऑफ द कैमेलिया साइनेंसिस को एक बार हम फिर क्लियर कर देते हैं। द नेम कैमेलिया इज टेकन फ्रॉम द लैटिनाइज्ड नेम ऑफ द रिजर्वोयर दैट इज टू नेम ऑफ द जॉर्ज थॉमस कैमेल 1961-1706 ए मोराबियन बोर्न ज्यूश लेबरोदर टू फार्मासिस्ट एंड दैट इज मिशनरी इन द फिलीपींस एंड टू कार्ल लेनिस चूज हिज नेम in 1753, okay, got a genus to the honor
commence and contribute to the botany. Okay, क्योंकि botany में इन्होंने बहुत lot of योगदान, बहुत ज़्यादा योगदान था to involve in that Camille, that is to reservoir George Thomas Camille. Okay, so the name sinensis means from the China in the Latin. तो जैसे कैमेलिया साइनेंसिस है, साइनेंसिस टर्म कहाँ से आया है? चाइना के लैटिन वर्ड से आया हुआ है. तो पूरा नाम क्या बनके आ गया? कैमेलिया साइनेंसिस. ओके, तो साइनेंसिस वर्ड किसका है? लैटिन वर्ड है जो चाइना से लिया गया है. कैमेलिया, कैमेलिया में स्पेलिंग चेंज कर दिया है. कैमेलिया को जो केमिल नाम था, जो है थॉमस केमिल, उनके नाम पर रखा गया है. जो कॉल लिनियस ने याद रहे कि इनका बहुत बड़ा योगदान. तो ये आपको समझ में आ रहा है कि कैमेलिया साइनेंसिस वर्ड कैसे आया. ये देखो, हैव टू द कैमेलिया हैव टू द फोर यहां पर टाइप ऑफ द स्पीशीज दिया. तो द मोर देन 2300 प्लांट्स दे आर रजिस्टर्ड इन द अमेरिकन कैमेलिया सोसाइटी. ओके, तो द कैमेलिया that is about 3 to 5 inches in diameter with a white pink is that is color of the flower of the camellia japonica. camellia inner aa jata hai, camellia reticulata mein biggest flower isme hota, bada flower hota, 10 feet tall and 8 feet wide tree hota hai. so that is very susceptible to cold, ke liye bahut zyada susceptible hai camellia. that is second flower that is highest range from the 1 to 12 feet tall hota, leaf dark green shiny and 2 inches long hoti hai. flower are mostly white to single hota, 2 to 3 inches diameter फ्रेग्रेंट फ्लावर होता है. ठीक है, कैमेलिया ओलिफेरा में डार्क ग्रीन लीफ होती है, फ्रेग्रेंट होती है, 2 इंच वाइड फ्लावर इन द पार्ट. दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल फोर स्पीशीज आर क्लासिफाइड इन द बाय द कैमेलिया सोसाइटी ऑफ अमेरिका. हियर आ जाते हैं टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन पे. ठीक है, तो एक बार फिर देख लेते हैं, थोड़े बहुत बच्चे आए हों तो उनके नाम ध्यान रखना. एक आया आ जाते हैं टेक्सोनॉमी ऑफ द कैमेलिया साइनेंसिस. रैंक साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम ये दो ग्रुप में है. किंगडम प्लांटी में रखा गया, प्लांट ग्रुप में क्लासिफाइड है. सब किंगडम दैट ट्रिचियोडोंटा दैट इज वैस्कुलर बंडल सिस्टम पाए जाते हैं इसके स्टेम में. सब सुपर डिवीजन इसमें स्पर्मेटोफाइटा है, सीडेड प्लांट है. ठीक है, डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा में फ्लावरिंग प्लांट में क्लासिफाइड किया गया है. क्लास मैग्नोलियोसिडा में डाइकोटिलेडन है, ऑर्डर थियल्स में रखा गया है. फैमिली थियेसी टी फैमिली में है. जीनस कैमेलिया है. स्पीशीज साइनेंसिस है. बॉटनिकल नेम कैमेलिया साइनेंसिस बाय द लिनियस एंड आफ्टर द आल्सो हैव टू द फर्स्ट टाइम टू डूइंग बाय द फ्रेंड्स एंड द सिनोनिम्स आल्सो द थियेसिनेसिस रखा है. कॉमन नेम ब्लैक टी और ग्रीन टी. ओके, सो दैट इज द टैक्सोनॉमी ऑफ द कैमेलिया साइनेंसिस. केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द टी. मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज पॉलीफिनोल ग्रुप उसमें होते हैं, कैटेकिंस होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं. क्लियर हो रहा है? दो ग्रुप होते हैं जो स्टिमुलेटर होते हैं, कैटेकिंस और फ्लेवोनॉइड्स. अबाउट 25 to 35% ऑन द ड्राई वेटेड वेट बेसिस दे हैव टू दे फाउंड. ओके, तो फ्लेवोनॉइड दैट इज पॉलीफिनोल्स होते हैं. That is the characteristic, the antioxidant होते हैं, anti-inflammatory characteristics होता है, anti-allergic होते हैं, anti-bacterial properties इनकी होती है, anti-viral effect होते हैं. इसलिए चाय पीने से वायरस का बहुत प्रभाव कम होता है, वही में वायरस इनफेक्टिव हो जाता है. तो जैसे अब कोरोना वगैरह चल रहा है उस समय आप चाय को अगर ग्रीन टी और ब्लैक टी पियेंगे तो इसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा. और जो इफेक्टेड भी हैं वो भी उसके, क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल प्रॉपर्टी है इसके अंदर, फ्लेवोनॉइड्स के अंदर, जो उसको चेक करती है. ठीक है, तो दैट इज एंटी ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट रिड्यूस ब्लैक एंड ग्रीन टी एंड द टेकिंग इन द मिल्क. दूध के साथ पिए अगर पी सकते हैं, नहीं तो वैसे भी विदाउट मिल्क भी पी सकते हैं. The tea tannins called the catechins that is the most potential therapeutic plant derived from the chemical that is antiseptic property hai iski, antioxidant properties hai, detoxifying the stem that is the so the catechins include catechins hai, epicatechins hai, EC hai, epigallocatechins hai, EGC jisko bolte hain, epi कैटेकिन गैलेट है इसमें, ईजीसी है एंड एपी गैलो कैटेकिन गैलेट है इसमें, ईजीसीजी दे हैव टू डिफरेंट एल्कलॉइड्स दे हैव फाउंड इन द दैट इज टू कैटेकिन्स. ओके,
So Cutchins make up approximately 1/4 of the fresh dry bed green tea leaves. The EGCG comprises 60%. So they are different alkaloids they are found in the tea. They have two antiviral, antibacterial property of this one. Okay. So इसको बहुत point कर भी सकते, point भी आप note कर सकते इसका, ठीक है? ये कुछ ही है वो एक्चुअली टाइम्स नहीं मिल करते हैं आगे स्टूडेंट प्लीज ज्वाइन टाइमली ओके सभी बच्चे टाइम से ज्वाइन करें So the chemical compounds in the tea leaf that is to polyphenols, catechin होता है इसमें, amino acid theanine होता है, carbohydrates होता है, vitamin C, E और carotene पाया जाता है, mineral potassium, calcium, phosphorus, manganese minerals इसके अंदर होते हैं, methyl anthins that is to methyl methyl xanthins that is to caffeine होता है, enzymes पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज इंजन पाया जाता है इसमें पिगमेंट थियोफ्लेविन पिगमेंट इसमें होता है वोलेटाइल्स दैट इज टू टर्पिनोइड इसमें होता है दैट इज टू लॉट ऑफ पिगमेंट्स एंड एल्कलॉइड्स दे आर फाउंड इन द टी लीफ ओके सो दैट इज टू आवर स्टूडेंट्स हैव टू प्लीज टाइम ज्वाइन टाइमली ऐसा नहीं होता पूरे घंटे आप ज्वाइन करते हैं दैट इज वेरी रॉन्ग ठीक है आप टाइमली ज्वाइन करिए जिससे टीचिंग का इफेक्ट नहीं हो ब्लैक टी और दे हैव टू आल्सो द फाउंड इन द ग्रीन टी ओके तो प्लीज आप टाइमली सब ज्वाइन करिए ऐसे नहीं होता है आप ज्वाइन नहीं करेंगे टाइमली तो बैक टू वेरी रॉन्ग बन ओके तो दैट इज टू द शेयर ऑफ द डिफरेंट एल्कोहल्स दैट फाउंड ऑन द ग्रीन टी सर ओके तो टॉप 10 टी कंपनीज दे आर वर्किंग इन द टी एरिया दैट इज टू हैव टू गिविंग द नेम सो हिंदुस्तान लीवर दैट इज 32.5 अलोंग द बर्ड that is to in the Hindustan Lever. इसमें टाटा टी है 22.5% है that is Duncan's Industries that is to 6.6 है that is to Bach Bakery Limited 2.9% private label 2.2% है the Cook that is the name of the that is to name of the company that is good week group है limited 1.7% है golden tips tea है 1.4% share है इसका तो हिंदुस्तान लीवर की चाय सबसे ज्यादा आती है they have to tens of country they are doing work in the india and abroad to have to the production of the tea and the best quality अगर छोटी छोटी कंपनियां में जो 30.2% जिनका शेयर है जिसमें बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां इन्वॉल्व है ठीक है तो आप देख रहे हो इसका चार्ट बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर यू ओके तो मेडिसिनल यूज ऑफ द टी क्या है इसका मेडिसिनल यूज एंटी वायरल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी ऑफ द टी रिड्यूस इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड लंग्स एज वेल एज टू प्रिवेंटिंग द पल्मोनरी डिजीजेस they have to the characteristics of the tea have to antiviral and antibacterial characteristics anti-inflammatory character also decrease the sugar level in diabetic person ko peena chahiye jisse sugar kam ho jata hai improve the renal blood circulation and are effective to reducing to the pains and caused by the renal disease or they have to induce the enzyme that detoxify the carcinogens thus inhibiting the cancer and anti-cancer property also have to in the tea So tea is very good for you. So L-theanine is the tea effectively relieve the common cold. Which means chemicals with L-theanine that is too very important for the to relieve from the common cold. जुकाम वगैरह नज़ला जुकाम में ये बहुत फायदा करता है. That is the chemical they are from. Reduce the risk of the congestive heart failure. If the high blood pressure they have to the positive effect on this one. So they have to check the heart disease or heart high blood pressure. Okay. तो दैट टू एक बार चेक कर लेते हैं कितने और आ गए हैं
ओके तो व्हाट डज द टी लीफ कंटेन, क्या क्या टी लीफ के अंदर होता है? आप देख रहे हो बहुत अच्छा से एक मेरे को इसमें मिला था तो मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। मॉइस्चर 70-80% लीफ के अंदर होता है, सॉल्युबल 20-25% देयर फॉर्म, नॉन सॉल्युबल इन वाटर, देयर नॉन सॉल्युबल इन ऑयल, ठीक है, एंड नॉन सॉल्युबल सॉल्युबल इन ऑयल। तो नॉन सॉल्युबल इन वाटर में, सॉल्युबल इन ऑयल में कैरोटीन है, विटामिन ई है, क्लोरोफिल है, देयर टू सॉल्युबल इन द ऑयल, एंड नॉन सॉल्युबल इन ऑयल दैट इज टू सेल्यूलोज है, फैब्रिक प्रोटीन, एंड सॉल्युबल इन वाटर में कैटेकिन है, अमीनो एसिड्स है, कैफीन है, सैकेराइड्स है, मिनरल्स, पेक्टिन्स, विटामिन B1, B2, CPU एंड सैफरोनिन, फ्लोराइड एंड फ्लेवोनॉइड्स, दे हैव टू ऑल मिनरल्स दे हैव टू, दे फाउंड ऑन द लीव्स, दे आर द सम आर द सॉल्युबल, सम आर द नॉन सॉल्युबल, ठीक है, सो हैव टू दे आर फाउंड इफ यू हैव टेक द टी। जब आप अगर चाय पीते हैं तो इसको आपको सारे मिनरल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। यह देखिए बायोटेक कंपाउंड्स इन द टी लीफ, दैट इज विटामिन ई है, विटामिन बी, बीटा कैरोटीन है, कैफीन है, फाइबर्स हैं, क्लोरोफिल है, पॉलीफिनोल्स, फ्लेवोनॉइड्स है, कैटेकिन्स में कैटेकिन्स है, एपीजेंथिन है, गैलोकैटिन्स है, एपीगैलोकैटिन्स है, कैटेकिन जिलेटिन है, गैलो जो आपने इसी बताया था, दैट इज यू हैव टू आस्क दैट एल्गोलाइट दे आर फाउंड ऑन द लीफ, ओके। You see, almond have two catenins and classified in the different groups. They have most are chemical alkaloids. They are compiled to have to the formation of the catenins. Catechins बोलते हैं वैसे इसको, catechins. Here आ जाते हैं. Continue. They have to continue the class of the she spread leaves in the leaf, but the Camellia sinensis, that is to the botanical name of the tea, that is constitutes 1.24% of the caffeine, is equal amount of the theobromine, theophylline and xanthine, 50% that is gallotannic acid hota hai, 0.7% volatile oils hoti hai, isme volatile oil bhi paya jata hai, the stimulant action due to the caffeine content. बॉटनी में आ जाते हैं, दैट इज मॉर्फोग्राफी टी इज द एवरग्रीन श्रब और ट्री, दोनों में क्लासिफाइड किया गया है। लीफ आर सिंपल अल्टरनेट होता है, सीरेटेड होती है, पत्तियां कटी हल्का सा सीरेटेड होती है, फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है, पेंटामेरिस होता है, सुपीरियर ओवरी, फ्रूट कैप्सूल बोलते हैं इसके फ्रूट को। ए टी प्लांट विल ग्रो इन टू द ट्री अप टू द 16 मीटर तक इसके ग्रो हो जाते हैं, एट द लेफ्ट दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड, बट टू द कल्टिवेटेड प्लांट आर बेस्ड ऑन द हाइट टू द easy of the plucking. So mostly they have to the nursery prepared by the cutting or hardwood cutting. So but they have to also that seed also the have to another way of to the propagation of the tea. So here आप कुछ see the flower आप देख रहे हो, indefinite anthers के अंदर होते हैं, pentamerous white color का, white pinkish color का होता है, light serrated leaf होती है, that is alternate opposite direction में दूसरे को opposite में निकली होती है, और fruits आप देख रहे हो, fruits इसका क्या है, that is capsule, capsule में categorize किया गया है, ठीक है, pentamerous है, mostly क्या है इसकी हम cutting लगाते हैं new nursery के लिए। Flower देख रहे हो whitish color का है, anthers है, lot of anthers there, indefinite anthers होते हैं, ट्राइलोकुलर होती है, ठीक है, दे आर द एवरग्रीन अल्टरनेटिव लीफ होती है, इलेप्टिक होती है, पॉइंटेड टूथ जिसको बोलते हैं, सीरेटेड टूथ होती है, दैट इज कोरियसियस होती है, लीफ 6-8 inches लॉन्ग होती है, 3 inches to 5, दैट इज टू पैरामीटर्स ऑफ द लीफ। अब लीफ यहाँ पे देख रहे हो थोड़ा सा कट लगा हुआ है, टूथ है, सीरेटेड लीफ है, दैट इज श्रब, दैट इज और ट्री, दोनों में क्लासिफाइड किए गए हैं। टी वाज द ओरिजिनली दे हैव ग्रोन टू चाइना ओवर द लास्ट 1000 ईयर एगो, ओके, सो दैट इज टू पैरामीटर्स मैंने बताया, दैट इज स्टिमुलेंट है, इफेक्टिव ऑन द नर्वस एंड सिस्टम, टू कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम को करेक्ट करती है, पॉजिटिव दैट इज एंट्रोपिक एक्शन जिसका होता है, स्मूथ मसल्स के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, दैट इज टू बेस्ट वन फॉर द टी। ये है इसकी लाइफ साइकिल, कैमेलिया साइनेंसिस आप देख रहे हो, और सीड्स के हम हार्ड सीड कैप्सूल होता है जर्मिनेट करने के, दैट इज टू जर्मिनेशन एंड टू पेंटामेरस फ्लावर आप देख रहे हो, सुपीरियर ओवरी, ट्राइलोकुलर ओवरी होती है, और दैट इज टू सी देख रहे हो ट्राइलोकुलर का क्लियर दिया गया है, तो दैट इज टू दैट लाइफ साइकिल ऑफ द कैमेलिया साइनेंसिस, कैमेलिया साइनेंसिस की लाइफ साइकिल है, इसको आप देख सकते हैं, फूटी वर्टिकली फूटी का कैप्सूल। यहाँ फ्लावर को देख सकते हैं, पूरे प्लांट में फ्लावर लगा हुआ है, दैट इज टू हियर पेंटामेरिस हाइट कलर का होता है, एंथर इंडेफिनेट है इसमें।
ये देखिए सोर्सेज ऑफ वैरायटी ऑफ द टी लीव्स, इसमें डिफरेंट टाइप का लीव्स पाया जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द टी, दैट इज व्हाइट व्हाइट टी, ग्रीन टी और ब्लैक टी, दे आर कम फ्रॉम द प्लकिंग ऑफ द टू और थ्री लीव फ्रॉम द अपर साइड, ठीक है, अपर साइड से प्लकिंग करते हैं, नीचे वाली लीव को हम टच नहीं करते हैं, टू यूज फॉर यूजलेस, ओके। तो द टी परिनियल एवरग्रीन, इस तरह का बुश होता है, आप देख रहे हो, दैट इज टू बुश हियर टू द सीन हियर टू आफ्टर द प्रूनिंग कंडीशन, प्रूनिंग कंडीशन के बाद देख सकते हो। तो कंटिन्यू प्लस, तो ये हार्वेस्टेड यंग लीव्स देख रहे हैं, यंग लीव्स जो होती हैं दैट इज टू द हार्वेस्ट फॉर यूज फॉर द प्रोसेसिंग, दैट इज टू ऑन द सीन हियर। अंडरस्टैंडिंग अडेप्टेशन, टेम्परेचर 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज होता है द ट्री प्लांट के लिए, दैट इज आप देख रहे हो रियल स्टेट में बड़े स्टेट लार्ज स्केल में इसको ग्रोन किया जाता है। प्लांटेशन मीन्स देयर क्रॉप दे आर ग्रोन इन द लार्ज स्केल, हाउ कैन यू डिफाइन द प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप आर बुश क्रॉप दे आर ग्रोन इन द लार्ज स्केल एंड दे आर गवर्नड बाई और दे आर ऑपरेटेड बाई और दे आर कल्चर्ड बाई द लोकल लेवल, ठीक है, लोकल लेवल इसलिए लगाया तो वहाँ की लोकल लेवल कलेक्टिंग चल रही, बाहर की तो नहीं जाती है ना। So that is to define it to plantation crop or those crop they are grown in the large scale, in a real estate, in a large scale they are operated, governed or plucking by the local labor or they are operated by the local labor, they have called the plantation crop, okay? So the leaf growth shape tableau 30 degree centigrade or above to 35 degree centigrade, shoot replacement cycling related to the temperature, so a tutorial region they have to 1000 to 3000 meter of the sea level they have to the successfully grown the crop, so low altitude have to need shape the best growth in Assam tech, Assam areas of the hills, Assam hills they have to grow the tea. So that is tea plants have to adapt to rainfall 1150 annual rainfall is need for it growing. So the soil, acidic soil 4 to 5.6 pH with the proper fault cultivation, good drainage and water holding capacity have to the best one for the cultivation of the tea. तो हियर आप देख रहे हो दैट टू एनाटॉमी ऑफ द टी प्लांट का मैंने दिखाया गया है। हाई ग्रेड के लिए हम ये लीफ ले गए, दैट इज टू लीफ इज द सेकंड लीफ एंड बट को लेते हैं जो हैव टू डिफरेंट लोअर ग्रेड के लिए थर्ड लीफ को लेते हैं, तो दे हैव टू ट्री कंटेन द डिफरेंट डिफरेंट एल्कलॉइड्स ऑन दिस वन, सो वी हैव टू सी द टी प्लकिंग ऑन द थ्री लीफ कंडीशन में प्लक करते हैं, ठीक है ना, प्लकिंग ऑफ द थ्री लीफ। तो स्ट्रक्चर हियर देखे हो, हियर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द एनाटॉमी ऑफ दिस वन टू स्ट्रक्चर ऑफ द टी, दैट इज टू शूट दैट इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट जनरेशन टू, देख रहे हो 3 4 5 इसमें दे रखे हैं, तो द थ्री लीफ स्टेज में हम इसको प्लग करते हैं। तो पहली बर्ड जो होती है, पहली लीफ होती है, एपिकल बर्ड जो होती है, दैट इज एपिकल बर्ड, दैट इज द एक्टिव बर्ड होती है, स्टेम होता है, नॉर्मल लीफ होती है, शाइड बर्ड होता है, ठीक है, फिश लीफ देख रहे छोटा सा लीफ लगा है, दैट इज द फिश लीफ उसको बोलते हैं, और एक बड़ी सी लीफ है, दैट इज टू मदर लीफ होती है उसको। तो हम थ्री लीफ पर हम इसको कट करते हैं, ठीक है ना, थ्री पर जहाँ से स्टेम लगा हुआ है वहाँ से इसको हम कट कर लेते हैं, या फोर लीफ पर कट कर लेते हैं। तो जो प्लकिंग होती है दे आर ऑपरेटेड बाई द लोकल लेवल, तो थ्री फोर लीफ पर, मोस्टली थ्री लीफ पर हम इसको कट करते हैं, और सबसे लास्ट में जो होती है स्केल लीफ होती है, बहुत छोटी सी लीफ लगी है इसकी, दैट इज द शूट, दैट इज डिफरेंट नेम ऑफ द शूट, दे आर फिश लीफ, साइड लीफ, नॉर्मल लीफ, मदर लीफ। ये बाइबा बॉयज का क्वेश्चन है, मदर लीफ क्या होती है, फिश लीफ पूछ लेता, फिश लीफ इज आर फाउंड ऑन विच प्लांट, फिश लीफ किस में पाया जाता है, तो फिश लीफ अकेला टी में होता है, ठीक है ना, मदर लीफ, फिश लीफ, नॉर्मल लीफ और दैट इज टू स्केल लीफ, देख रहे हो ना। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। चलते हैं आगे, समझ में आ गया ना, ये लीफ है, हम उसको थ्री बड़े थ्री लीफ स्टेज पे कट करते हैं, ठीक है, प्लग करते हैं। ये देखो यहाँ पर आया पॉइंट ऑफ द फिश लीफ प्लग, जो पॉइंट लगा है फिश के ऊपर से थोड़ा सा हम उसको तोड़ते हैं, थ्री लीफ थ्री फोर लीफ तोड़ते हैं यहाँ से, क्लियर हो रहा, क्योंकि इसमें
लीप का बहुत बड़ा रोल है। चलते हैं आगे। टाइप्स ऑफ द टी आपको यहाँ ले आते हैं। दे हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टी। देख रहे हो ग्रीन टी। ग्रीन टी इन द मिनिमली दैट इज ऑक्सीडाइज टी बोलते हैं। नॉन फर्मेंटेड होती है। लेटेड प्रोसेस्ड वेदरिंग रोलिंग स्टीमिंग से तैयार होती है। ठीक है। ओब्लोंग टी देख रहे हो पार्शियली फर्मेंटेड होती है। ग्रीन इज ब्राउन टी के नाम से इसको जानते हैं। ब्लैक टी फुली फर्मेंटेड होती है। मोस्ट कॉमन काउडन व्हाइट टी इन द सन एट हाईएस्ट एंड ओके सो ब्लैक टी मिक्स्ड हेलो सर, हैंग हो गए आप तो। आवाज नहीं आ रही सर। सर पता नहीं खा गए, पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो गया ऐसे तो। फ्लो टूट गए तो पढ़ाई का। भाई फ्लो तो जब टूटेगा जब पढ़ाई होगी। अरे यो के कर दियो, पढ़ाई ना हो रही हो रहा तो मास्टर की बजा दी यार। ओला मैं फिन भाई क्या कर रहा। अरे भाई बैठे इसी जगह हो, क्या बताऊं। राज्य आप सुधीर भाई आवाज ना आ रही तेरी। सुधीर कोशिश करे। बोल भाई सुधीर बोल। आपको भी मौका दिया जाता बोलो आप। वो मास्टर और कितने ज्वाइन कर बैठे दिखे क्लास। कोई नई क्लास चल रही है भाई, ज्वाइन कर लो चल। रोटी आउट हो गए भाई ला। रोटी रोटी खाओ ना फिर, क्या ले क्लास लियो। मैं भी जिम का आऊंगा, जिम आड़ो है गांव में। हेलो। यस सर। कैसे हो सर आप? वेलकम सर। यस सर। ठीक है कंटिन्यू करते हो सर आप? कंटिन्यू करें सर, क्या कर रहे हैं सर? हेलो आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, आ रही है। पायलट की कॉपी लग रही है आपको? इसको एक बार दोबारा पुनः करना पड़ेगा, इसको शेयर करना पड़ेगा। तो एक मिनट रुकना।
सर मास्क लगा लो, कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है सर। हाँ ठीक करोना। चलो हाँ, अभी ये स्लाइड बताना, आ रही नहीं आ रही? अरे दिखाई दे रहा है स्लाइड? नहीं टू नहीं पर है नहीं नहीं तो द टी प्लांट्स। नो सर, ना कोई नो मतलब सर, नहीं। अभी एक मिनट जो इसको रिफ्रेश करते। चलिए अब फायदा देखिए, दूर है। अब आ गई स्लाइड, दिख रहा है नहीं सर सर? अभी भी फोन नहीं कट है। चुका, फोन को तो हटा लो। फोन से मतलब ने स्लाइड तो देखो यार, फोन से क्या होता स्लाइड देख रहे हैं सर, नहीं आई। है? अच्छा मैं एक बार फिर शेयर कर देता हूँ कैंसिल करके, ठीक है ना? कर लो सर, देख लो। अब आ जाएगी। आपकी बार आ गई सर, हो गई आ सर, हो गई सर, गई बहुत जल्दी दिख सर। गई दिया। आज ही दिख गई। हाँ चलो वहीं पहुंच जाते जहां पढ़ा रहे थे। करो सर, करो सर, करो। सर इतनी तेज मत चलो सर। नहीं, वो यहाँ पर थे, ठीक है ना? अच्छा ये दिखाई दे रहा है आपको, टू वेराइटीज ऑफ द टी प्लांट, ठीक है? दो वेराइटी है, टू वेराइटी देयर, कैमेलिया साइनेंसिस वेराइटी, साइनेंसिस कैमेलिया साइनेंसिस वेराइटी असामी का, ठीक है? ओरिजिन साइनेंसिस का चाइना में है, असामी का असम में है। क्लाइमेट इसमें सनी ड्राई कूल क्लाइमेट चाहिए, इसमें असामी का बारे में बार मोस्ट सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट चाहिए, ठीक है? और लीफ स्मॉल होती है साइनेंसिस में, इसमें लार्ज होती है, ठीक है ना? दैट इज कल्टीवार्स एंड हाइब्रिड प्लांट्स में दैट इज अवेलेबल टू मेक द वाइट ग्रीन येलो ओब्लॉन्ग ब्लैक एंड प्यू और टी करके है इसमें, और अवेलेबल मेक द वाइट ग्रीन येलो ओब्लॉन्ग और ब्लैक इन आर हैव टू टी, दोनों तरह का बनता है दोनों से, लेकिन दोनों के प्लांट्स में हाइट में और लीफ साइज में डिफरेंस है, ठीक है? ये देखो दे हैव टू डिफरेंट क्लोन्स दे आर यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द टी दैट इज टू BTRI। BTRI का मतलब है बांग्लादेश टी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है? वहां से बीटी निकालेंगे, टोटल कलेक्शन 18 है, BT1 से लेकर के आपका 18 तक कलेक्शन है इसमें। क्लोन्स में इसमें क्लोन्स तैयार करते हैं, और BTRI नॉन रिलीज्ड क्लोन्स में 150 हैं जो अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं, कलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट टी स्टेट्स एंड लोकल। इसमें 7 है, 80 10 8 है, लाल 1 है, लाल 2 AN1 दैट इज पतारिया 1 है एंड पतारिया 2, ओके? तो ये लेट दैट टू दे आर कम फ्रॉम द एक मिनट। हेलो, अभी थोड़ी देर बात करेंगे, ठीक है ना? क्लास दे रहे हैं तो ये करते हैं। इंट्रोड्यूस सब वैरायटी दैट इज टोकेलिया रिलीज्ड क्लोन्स टी वन से लेकर के आपका TV30 फॉर द रियल एस्टेट्स एंड द नॉर्थ ईस्ट इंडियन गार्डन्स में 8 क्लोन्स हैं, जिसमें GST A1 क्लोन्स है, स्ट्रेंस है GST A3 है, P126 है, K100 है, M1 है, K835 है, H3A3 है, T1 है, ठीक है? उपासी क्लोन, उपासी क्लोन्स का मतलब है यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया, उपासी करके। इसमें टू क्लोन्स यहाँ पर है, उपासी 9 और उपासी 10। एंड TRI टी रिसर्च इंस्टीट्यूट श्रीलंका क्लोन से, श्रीलंका में आपको मालूम बहुत ज्यादा टी होता है, यहाँ पर 3 क्लोन्स दे आर यूज फॉर सिलेक्शन 1, सिलेक्शन 2 एंड S3, ठीक है? और केनियन क्लोन्स में, केनिया में बन है SC12/28, दे हैव क्लोन्स दे आर यूज फॉर कल्टीवेशन ऑफ द टी। तो सम दे आर उपासी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन कंडीशन दे आर क्लोन। ओपासी टू, इसको जयराम के नाम से जानते हैं, एवरेज यील्डिंग है, क्लोन टॉलरेंट टू ड्रॉट कंडीशन के लिए टॉलरेंट है जयराम, ठीक है? ओपासी थ्री दैट सुंदरम है, वेरी हाई यील्डिंग एंड क्वालिटी क्लोन है। ओपासी सिक्स है दैट इज ब्रुकलैंड्स के नाम से जानते हैं इसको, फेयर वेल एट द मिड एंड हाई एलिवेशन के लिए सुटेबल है। ओपासी एट है दैट इज गोलकोंडा के नाम से इसको जानते हैं, हाई यील्डिंग एंड सुटेबल फॉर ऑल एलिवेशन, सभी एलिवेशन में क्रोन होता है। ओपासी नाइन है हाई यील्डिंग एंड फेयर टॉलरेंट टू द ड्रॉट, जैसे एथेरे करके इसके नाम से जानते हैं इसको।
अदर एनओएस श्रीलंका से निकाला गया, टीआरआई 2024 है, हाई यील्डिंग क्लोन्स है, ओपासिट 10 है, दैट इज पंडियन के नाम से इसको जानते हैं, हार्डी क्लोन्स है, रेसिस्टेंट टू ड्रॉट कंडीशन क्लियर दैट इज रेसिस्टेंट है, ओपासिट 14 है, दैट इज सिंगारा के नाम से जानते हैं, क्वालिटी क्लोन्स सुटेबल फॉर द हाई एलिवेशन, ओपासिट 17 हाई यील्डिंग क्लोन्स है, टीआरआई 2025 श्रीलंका से निकाला गया, हाई यील्डिंग क्लोन्स है, ठीक है। They और भी there are some clones, they are under pipelines. जो pipeline है अभी pipeline में है, जिनको अभी आना है, clone 662 है, clone 652 है, clone 527/4 है, TH 560 है, stock 643 है, stock 673 है, pipelines में under stock and the pipelines they have to अभी develop नहीं हुआ है, इनको develop हो रहे हैं, ठीक है। They are the some key cultivars with the special characteristics जैसे that is to wind tolerant के लिए ओपासी 2 है, ओपासी 10 है, ठीक है, clones है, characteristics है, originated किसने निकाला है, ओपासी TRI इंडिया ने निकाला हुआ है, drought resistant के लिए ओपासी 9 है, frost resistant के लिए B26 है, HPKVTES इंडिया ने निकाला हुआ है, और smallest leaf के लिए CH1 है, biggest leaf के लिए Betchen है, एंड ब्लस्टर लाइट टॉलरेंट के लिए TRI 2043 है, TRI श्रीलंका ने निकाला है इसको, हाई पीविशंस के लिए TRI 2043 है, एंड हाई एंथोसाइनिक पिगमेंट के लिए TRI 2025 है, TRI श्रीलंका ने निकाला है, ये TRI का मतलब है टी रिसर्च इंस्टीट्यूट श्रीलंका है, ओके। हाई टॉलरेंट टू पीएच के लिए TN14-3 है, टी रिसर्च फाउंडेशन केन्या ने निकाला हुआ है, पुअर परफॉर्मेंस है 12/2 TRF केन्या का निकला हुआ है, माइट टॉलरेंस के लिए यानी माइट टॉलरेंस समझ रहे हो जो दीमक को बर्दाश्त करके टी में दीमक वो लगता है 7/9 है TRF केन्या से निकाला गया है, स्केल इंसेक्ट टॉलरेंट के लिए TN-14-3 स्टेंस है TRF केन्या से निकाला गया है ये, और हाई पॉलीफिनॉल्स कंटेंट 53 तक इसमें होता है, दैट इज लक्सी 5P है जो TRI चाइना से निकली गई है, हाई अमीनो एसिड कंटेंट 6.5% दैट इज 2.4% दैट गोंगडोंग टी TRI चाइना से निकली गई है, हाई कैफीन कंटेंट 6.96% तक होता है, वाइल्ड टी ऑफ एनम से TRI चाइना से निकली गई है, वाटर लॉगिंग टॉलरेंस के लिए TB9 है जो TES इंडिया से निकाली गई है, तो दे आर द सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लोन टू हैव टू स्पेसिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टॉलरेंस, ओके। और भी देखो इम्प्रूव्ड क्लोन्स हैं, देखो ओपासी वन है, एवर ग्रीन है, हार्डी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओपासी हार्डी क्वालिटी एवर है, सुंदरम है, नेचुरल ट्रिप्लोइड है, ठीक है, ओपासी 6 प्लांट दैट इज टू सुटेड फॉर द मिड एंड हायर एलिवेशन के लिए, ओपासी 8 है गोलकोंडा सुटेड फॉर ऑल एलिवेशन के लिए, ओपासी 9 दैट इज अर्थ रे दैट इज फेयरली टॉलरेंट टू द ड्रॉट कंडीशन के लिए है, ओपासी 10 पंडियन हार्डी है नेचर का है, ओपासी 14 सिंगारा दैट इज टू सुटेड फॉर द हायर एलिवेशन, एंड ओपासी 15 दैट इज स्प्रिंगफील्ड के लिए फ्लशेस थ्रू आउट द ईयर, एंड ओपासी 17 दैट इज स्वर्ण दैट इज फ्लोशिंग वेल इन द मिड हाई एलिवेशन के लिए, ओपासी 24 हार्डिंग है, ओपासी 25 हाई यील्डिंग है, ओपासी 16 हाई यील्डिंग है, ओपासी 27 ड्रॉट टॉलरेंट है, एंड दैट इज टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल क्लोन्स दे आर डेवलप्ड बाय द ओपासी। ओपासी का नाम एक बार फिर हम बताते थे, यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। अब आ जाती है सिंपल कल्टीवेशन, ये तो इसकी कहानी ज्योमेट्री साइटोलॉजी टैक्सोनॉमी बॉटनी था जो आपको समझाना था, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को बिलोंग करता है, वेरी गुड टेम्परेचर 16-32 डिग्री सेंटीग्रेड, ट्री प्लांट रिक्वायर्ड टू द आप अनु को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो आ जाते हैं आप इसमें रेनफॉल दैट इज टू एनुअल रेनफॉल नीड फॉर 120 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल टू नीड फॉर प्रेफर फॉर द एस्टेट लॉजिकली 4.5 से 6 पीएच के बीच में चाहिए, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी शुड बी हैव टू 80%, पीएच रेंज 2.5 to 5 और तक होता है, एसिडिक सॉइल इज द प्रेफर फॉर इट्स कल्टीवेशन, द एलिवेशन शुड बी फॉर 50 मीटर से लेकर के रेन अबव 2000 तक इसको ग्रो कर सकते हैं। देखो प्रोपोगेशन में मोस्टली क्या सीड और कटिंग दोनों ही इसमें यूज करते हैं, ट्री प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड बाय सीड और बाय द कटिंग, ओके।
So they have to approximate 4 to 12 years of the tree plant to bear proceed, or they have to about 3 years before new plant is ready for the harvesting. 3 saal lagte hain isko maturity mein, iske baad hum plucking ke liye isko harvesting ke liye taiyar kar lete hain. To jo dekh rahe ho 3 leaf stage is tarah hi pluck karte hain. जो हमारी चाय बनती है वो इतने से ही बनती है, ठीक है ना, ये ऊपर में हाई एल्कलॉइड्स होते हैं ऊपर वाले पार्ट में, इतना कोई लेते हैं इतने ही प्लग करते रहते हैं, और इसकी जो बुश टाइप होते हैं मशीनों से, इसकी एक बार मशीनों से हार्वेस्टिंग हुआ तो मशीनें आ गई, उतने ही पर लेवल सेट कर देते हैं, वो हार्वेस्ट करती चली जाती है, ठीक है. ये देखो इस तरह का बुश मेंटेन करते हैं, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑफ द ट्री, दैट इज टू ट्रेनिंग हेड बैक टू 20 सेंटीमीटर एट द प्लांट, हेड बैक कर देते हैं नेक्स्ट ईयर टू द 40 सेंटीमीटर, फाइनल ईयर 62 अप टू द लेवल ऑफ द प्लकिंग लेवल, ठीक है. इसके बाद 60 सेंटीमीटर हम प्लक करते रहते हैं. प्रूनिंग नीड फॉर द कट बैक ऑफ दैट इज पीरियोडिकली, और टू प्लकिंग टेबल विद द स्लोली राइज. इसके बाद इसमें से साइड ब्रांचें निकलती रहती हैं, उसमें से नए शूट आते हैं, नए शूट को हम जो है ना 3 लीफ स्टेज पर हम प्लक कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हो ना सारी चीज का. नहीं है प्रून ब्लो द ब्रांचेस बियरिंग टू द बियर अगेन, bringing to the beard again, जैसे ही आप प्लग करेंगे तो उसे साइड से फिर ब्रांच निकलेगी, फिर हम उसको हम प्लग करते रहते हैं, तो कई फ्लशेस में हम इसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है. ट्री प्लांटिंग में आप देख रहे हो डेंसिटी जो होता है इसका, डेंसिटी 10,000 से 15,000 पर हेक्टर इसमें जो है प्लांट्स आते हैं, तो 10,000 का मतलब अगर हम जो है ना कितने में करें तो 10,000 आ जाएगा 1/1 मीटर पे, ठीक है ना. तो 0.8 से 1 मीटर के बीच में प्लांटिंग करते हैं. यूज फॉर द शेड, शेड के लिए हम इनिशियल 50 इन द आसाम हैड टू यूज द डिफरेंट शेड ट्री इन बिटवीन द प्लांटेशन. तो नाउ मेनी एरिया विदाउट द शेड, हायर यील्ड विदाउट द शेड, तो ग्रेटर रेस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर विदाउट शेड, टू हैव टू द हाई हीट एरिया लू लैंड ऑफ द नॉर्थ इंडिया बांग्लादेश, टू हैव टू प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ द टी. तो आप प्लांटिंग डिस्टेंस आप यहाँ पर देख रहे हो, स्पेसिंग यूपी दैट इज ओपासी के लिए, ओपासी में 1.2 into 1.2 प्लांट, दैट इज 6,800 प्लांट दैट प्लांटेड, एंड टू कंटूर प्लांटिंग में 1.2 into 0.75, तो इसमें 10,000 से ज़्यादा पौधे लग जाते हैं. कंटूर प्लांटिंग डबल हैच के साथ जो है ना, तो 1.35 into 0.75, तो इसमें जो है ना कितने प्लांट लगे, 13,200 प्लांट. दैट द स्पेसिंग ऑफ द प्लांट, they have depend on the locality and soil, okay. आप देख रहे हो ये नर्सरी है, प्लांटेशन दिया हुआ है और नर्सरी दिखा रहे हैं हम, नर्सरी लगा हुआ है, तो प्लांटिंग 1/1, तो 10,000 के ऊपर प्लांट लग जाते हैं. पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल टू डेवलप द नर्सरी, आफ्टर दैट प्लांटिंग इन द फील्ड. एक बार प्लांट कर दिया तो सालों करीब 10 साल तक ये प्लांट चलता रहता है. मोस्टली क्या स्मॉल लीफ वाला, ये हैव टू श्रब टाइप ऑफ द प्लांट दे आर यूज. So type of pruning, pruning height, season and remark, they have to the some parameters they are here to the regeneration pruning, they have to that 20 China Jack and 30 Assam Jack to the April May mein variety ka naam, ye clones name hai 20 China Jack and 30 China Jack to the done in the old brushes, jo old brushes hote hain affected with the canker and would not to the in vigorous rate to the new healthy branches to grow, so note have to the regularity to prune them. तो हार्डी प्रूनिंग में 30 to 45 सेंटीमीटर हार्डी प्रूनिंग करते हैं अप्रैल मई में, या फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द प्रूनिंग डन टू द यंग टी, एंड टू द मीडियम प्रूनिंग में 45 to 60 सेंटीमीटर तक करते हैं अगस्त सितंबर में, और लाइट प्रूनिंग में 60 to 65 अगस्त सितंबर में. स्किपिंग, इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है स्किपिंग, दैट इज टू 65 सेंटीमीटर पे प्रून द ट्री बुश ऑन द मंथ ऑफ अगस्त सितंबर, मेनली टू पोस्टपोन द प्रूनिंग टू एनकरेज द बेटर फ्रेम डेवलपमेंट, दैट इज टू स्किपिंग. स्पिंग क्या होता है, इसको फ्रेम को डेवलप करना, दैट इज टू दैट स्पिनिंग बोलते हैं. तो इसके लिए मशीन का हम प्रयोग करते हैं, इक्वल हाइट पर इसको प्रून करके चले जाते हैं, आफ्टर देन न्यू फ्लशेस दे आर कम टू दे आर हार्वेस्ट. ओके, तो यहाँ स्किपिंग जो टर्मिनोलॉजी है इसको नोट कर लेना, इस दैट टू कम ऑन द शॉर्ट नोट्स. ट्रेनिंग यहाँ तक कर देते हैं, अभी है 5 के अभी 10 मिनट हैं. ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग द यंग टी व्हेन इट इज टू एस्टेब्लिश वेल कंटेनिंग रिमूवल ऑफ द ग्रोथ पॉइंट हैविंग टू 8 टू 10 मैच्योर लीफ फ्रॉम द बॉटम. ओके, सो इट इज टू डन द एंड यूज द सेकेंडरी when the secondary is when the 60 cm and the tipped at the 50 to 55 cm height and remove 3 to 4 leaves but to the induced
and that is nurseries. So it takes real about that 18 to 20 months from the planting to reach the regular pruning. 18 से 20 महीने लग जाते हैं. 60 सेंटीमीटर तक उसको हम 60 सेंटीमीटर 50 से 55 के बीच में उसको करते रहते हैं. ये टर्मिनोलॉजी का स्किपिंग करते हैं. स्किपिंग मतलब उसको फ्रेमवर्क को डेवलप करते हैं. आफ्टर देन टू दैट टू 60 सेंटीमीटर पे सेट कर देते हैं. आफ्टर देन टू यूज फॉर द मशीन फॉर द स्किपिंग. स्किपिंग के बाद जो आपको नया बर्ड आएगा दैट इज टू हार्वेस्ट. उसको हम हार्वेस्ट करेंगे. ठीक है. मैन्योरिंग के लिए द मैन्योरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिटी प्रोडक्शन टू यंग एंड मैच्योर टी टू नीड ऑर्गेनिक एंड न्यूट्रिएंट स्टेटस फॉर द सॉइल. सो हैव टू द मेंटेन द न्यूट्रिशन लेवल इन द टी गार्डन. So nature of pruning is yield the potential for the tea bushes. After the pruning to need the proper organic manure and nutrient to the plants. Okay. So manure of tea start from the nursery से हम start करते हैं. Once the stack would 30 gram of soluble mixture ammonium phosphate है, potassium sulphate है, magnesium sulphate and each in 15 parts of the zinc sulphate to 3 parts is dissolved to the 10 liters of water and after that applied to the about 900 plants. Okay. This is must be to repeat it 15 days interval for the fulfill the requirement of the nutrition. So tea plant utilize average the 10:3 जितना भी ग्रीन फ्लोसिस आएगा दैट इज टू बेस्ट वन फॉर द हार्वेस्टिंग. तो ये टू बीट कंट्रोल. बीट कंट्रोल में दैट टू डू सम हर्बिसाइड या यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ द एनुअल पेरेनियल वीड्स. डाइकोट के लिए पैराकोट है 1.2 लीटर पर हेक्टर इसमें कर देते हैं. और डाइकोट में इधर है फनोक्सोन है 1.4 लीटर पर हेक्टर. और ग्रासेस के लिए डेलाकोन है, एग्लाइकोसेट है 5.6 लीटर पर हेक्टर और 3.2 लीटर पर हेक्टर टू स्प्रे टू कंट्रोल ऑफ द एनुअल बायनुअल टाइप ऑफ द वीड्स इन द टी कल्टिवेशन और रियल स्टेज ऑफ द टी. ओके. Harvesting and plucking of the tea shoots. That is very important. Harvesting process to happen in the preparation of this is the tender tea shoots are plucking. Tender shoots in the new three-leaf stage approved the best one for this harvesting of the shoots. So at the a tea shoot, it is correct maturity for the many manufacture of the high quality made to tea and comprising on an unfold wood. Many have to 2 to 3 short leaves they have to pluck. ठीक है. तो ये बाइबा में भी पूछा जाता है कितनी पत्तियां तोड़ी जाती हैं. तो 3 पत्तियां तोड़ी जाती हैं ऊपर से, उनसे हम चाय बनाते हैं. तो क्या करें, टोकरी पीछे बांध के यानी पुटक पुटक के पीछे डालते रहते हैं. तो एक बहुत बड़ी प्रोसेस होती है. लोकल लेबर जो वहाँ की होती है वही अपना प्लकिंग करती रहती है. तो उनको भी मजदूरी मिल जाती है और जो उसका मालिक होता है उसको भी मिल जाता है. करेक्ट प्रोपोर्शन एंड टू कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल कंपाउंड एंजाइम्स विशेष टू सिंथेसाइज पॉलीफिनोल स्ट्रक्चर मेड टू टी दैट इज टू फाउंड मोस्टली इन द 2 or 3 लीव्स. 2-3 लीव के ऊपर ही पाया जाता है. हाइडी फाइबरस पार्ट जो है टी जो वो तो नीचे रह जाता है. हमको कैसा चाहिए, टेंडल पार्ट चाहिए जिसमें फाइबर कम से कम हो. ठीक है. आप देख रहे हो ये प्लकिंग कर रही महिलाएं पीछे टोकरी लगाए हैं. दैट इज टू हार्वेस्ट मोस्ट डन बाय द हैंड टू बट ओनली टू गिव द बेस्ट प्रोडक्ट. फाइन प्लकिंग मोस्ट कॉमन टू बट प्लक 2 or 3 लीव्स. और कोर्स प्लकिंग में 3 लीव्स आते हैं, फाइन प्लकिंग में 2 लीव्स आती हैं. ठीक है. इंपॉर्टेंट फॉर द बिंग प्रोसेस टू पिकिंग. आप देख रहे हो पकड़े खड़ा है एक लीव को, इस तरह से पूरे रियल एस्टेट में महिलाएं अपनी प्लक करती रहती हैं. ये देख रहे हो 2 बट और 3 बट देख रहे हो ना. टी हार्वेस्टिंग प्लकिंग इंटरवल कितने कितने दिन, अबाउट 5 to 7 डेज इंटरवल टू नेक्स्ट पिकिंग. ऐसा नहीं आप कंटिन्यू रोज करते रहो. एक पौधे से आप पत्तियां तोड़ लेंगे तो उसको थोड़ा सा डेवलपमेंट के लिए टाइम, उसकी नई पत्तियां आने 5 से 7 दिन लगते हैं. तो दिस टाइम 5 to 7 डेज बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव हार्वेस्टिंग टर्म टू द प्लकिंग राउंड और प्लकिंग इंटरवल इसको बोलते हैं. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग के लिए दैट इज मैन्युफैक्चर में क्या है, पहले प्लकिंग करेंगे, प्लेन वेदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटिंग, ड्राइंग, ग्रेडिंग एंड फिनिशिंग द प्रोडक्ट. इतने प्रोसेस से पास होती है लीफ. ठीक है. तो आते हैं कंटिन्यू में. ये देखिए हमने प्लग किया हुआ है. प्लग करने के बाद वेदरिंग का मतलब है थोड़ा सा पानी रिमूव करते हैं. इसके बाद रॉयल रोलर में उसको रॉयल करते हैं. फर्मेंटेशन के लिए छोड़ देते हैं. फायरिंग करते हैं. ठीक है. फ्यूम से
और इसके बाद एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो होते हैं उसमें क्या था, प्रोटीन प्रोटीएज हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन है एरोमा एक कंपाउंड टू इन द टी. सो देयर आर द डिफरेंट प्रोसेसेस टू यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ द टी जो बाजार में आता है, इतनी प्रोसेस के बाद आपको मिलता है. ठीक है ना. ये देखिए वेदरिंग एंड ड्राइंग एंड टी. ठीक है, आप देखो वेदरिंग में जो व्हाइट टी आपको मिलती है, व्हाइट टी में प्रोसेस ज्यादा नहीं होता है. आपने कलेक्ट किया, प्लकिंग किया, प्लकिंग करने के बाद प्लक देख रहे हो एक तीन लीफ बना हुआ है आगे. तीन लीफ के लेने के बाद वेदरिंग करेंगे, वेदरिंग का मतलब मॉइस्चर उड़ाएंगे और ड्राइंग करेंगे और उसके बाद व्हाइट टी तैयार होगा. वेदरिंग रॉकिंग रोलिंग ड्राइंग में ओब्लोंग टी तैयार होगा. वेदरिंग रोलिंग फर्मेंटिंग ड्राइंग में ब्लैक टी तैयार हो जाएगा. और फिक्सेशन रोलिंग ड्राइंग में ग्रीन टी बनता है. और फिक्सेशन रोलिंग येलोइंग ड्राइंग में येलो टी बनता है. और फिक्सेशन पोस्ट फर्मेंटेशन शेपिंग ड्राइंग डार्क टी. तो दे हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ टी, दे आर फॉर्मेशन बाय द डिफरेंट प्रोसेसेस, अलग अलग तरीकों से बनती है. तो ठीक है, तो इसको आपको एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में आना चाहिए कौन सी चाय कैसे बनाई जाती है. यहाँ देखो लीफ बट में स्टीम्ड में सीधा व्हाइट सीधा सीधा लीफ लिया, स्टीम्ड किया, ड्राई किया, व्हाइट टी आ गया. और वेदर टी में पेन फ्राइड होता है, ब्रश्ड होती है, ब्रश्ड रोल्ड होता है. तो रोल्ड शेप्ड एंड ड्राइड ग्रीन टी तैयार हो गया. ब्रश्ड ऑक्सीडाइज पेन फायर्ड एंड ऑब्लोंग टी तैयार हो गया. और ब्रश्ड रोल्ड ऑक्सीडाइज और फायर्ड और ब्लैक टी तैयार हो गया. इसके बाद इसको ग्राइंड करके बाजार में भेज देते हैं. वेदरिंग रोलिंग फर्मेंटिंग ड्राइंग दैट टी प्रोसेसिंग. ओके, वेदरिंग में क्या करते हैं, वेदरिंग ग्रीन लीव्स आर द स्प्रेड थ्रू द प्रोपोज्ड बड्स एंड थ्रू आउट द एयर एंड शोन टू द पावरफुल फैन आफ्टर देम टू ऑब्जेक्टिव टू द रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट इन द लीव्स इन अबाउट 40 to 50% ओके. वेदरिंग प्रोसेस टू टेक प्लेस इन द ओवरनाइट. ये देख रहे हो प्लांट लगा हुआ वेदरिंग का. वेदरिंग प्रोसेस ऐसे रख लेते हैं मॉइस्चर निकालने के लिए. ठीक है, ऐसे पत्तियां ही सब में रखी हुई हैं. ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस है. इसके बाद वेदर लीफ इस तरह का लीफ हो जाता है, मॉइस्चर निकल जाएगा तो सुकड़ जाएगा लीफ ना, इस तरह का लीफ हो जाता है, थोड़ा ग्रीनिश कलर कम हो जाता है. रोलिंग में क्या कहते हैं, द रोलर ट्विस्ट द ब्रेक टू द वेदर लीफ एंड डिस्ट्रॉयड रिप्चरिंग इन टू द इंटरवेनल सेल्स टू द लैबरेटिंग एंड एक्सपोजिंग द जूस फ्रॉम द फर्मेंटिंग. तो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी एक प्रोसेस है, ये देख रहे हो इसमें रोलिंग मशीन है, इसमें रोलिंग कर रहे हैं, रोलिंग करते हैं जिससे इसके छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, इसके बाद फर्मेंटेशन में ले जाते हैं. न्यूट्रल केमिकल प्रोसेस एंजाइमेटिक रिएक्शन इसमें होते हैं. लीव्स आर एक्सपोज टू द ऑक्सीजन, ब्रोकन लीव्स आर स्प्रेड इन टू द ट्रेस एंड द लीव्स आर ग्रीन टू द कलर बिफोर फर्मेंटेशन एंड यू विल टेक द वन बाई वन एंड हाफ टू टू आवर ड्यूरिंग द करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लेवर एंड एरोमा. फ्लेवर एरोमा मिलाने के लिए फर्मेंटेट करेंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को करने के लिए हम फर्मेंटेशन करते हैं. ठीक है, तो आप देख रहे हो इसमें इस तरह के ट्रेस होते हैं, इसमें रखते हैं लीव को फर्मेंटेशन के लिए. और आप देख रहे हो इसके बाद ड्राइंग करते हैं. ठीक है, ड्राइंग में फर्मेंटेड लीव को ड्राई कर लिया जाते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं अंदर से, इससे मॉइस्चर रिड्यूस द मॉइस्चर टू लेस देन 3% टू क्रिस्टलाइज द जूस एंड कन्वर्ट इन द लीव इनटू द दैट इज टू द क्रिस्प ब्लैक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है ड्राइंग करने के बाद. तो ये देख रहे हो ड्राई एंड टी है, इसमें आप देख रहे हो पत्तियाँ जो है ना, पत्तियाँ लाल लाल कलर में कन्वर्ट हो गई छोटे छोटे टुकड़ों में. यहाँ ड्राइंग करेंगे, मॉइस्चर रिड्यूस करते हैं इसके अंदर लाते हैं. सर हाँ जी हाँ जी, ये टी ड्रायर है. और अभी टाइम हो गया, यहाँ से फिर हम आगे पढ़ा देंगे. ठीक है सर. हाँ जी, विच टी इज बेस्ट फॉर हेल्थ सर? हेलो, विच टी बेस्ट फॉर हेल्थ सर? ग्रीन टी सबसे ज्यादा अच्छी होती है. ग्रीन टी में बहुत ज्यादा क्या, तो आपके बहुत सारे एल्कलॉइड्स हैं जो ड्राइंग के बाद खत्म हो जाते हैं, वो ग्रीन टी इज द बेस्ट फॉर ऑल. सर इज टी बेटर देन कॉफी? नहीं, कॉफी का पैरामीटर्स अलग है, तो इसका दोनों में एल्कलॉइड्स होते हैं, उसका अलग कैफीन होता है इसमें. ठीक है, इसमें कैफीन और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, दोनों का ही स्टिमुलेटर है, दोनों ही स्टिमुलेटर है. ठीक है, तो आप ये लंच के बाद मेरे को ना एक पीरियड हमारा पड़ेगा, तब हम आपको देंगे, यहाँ तक हम आपको पढ़ाते हैं. ठीक है ना. अनु का क्लास चालू होने वाला है, वहां से आप, अनु ने मांगा था अभी क्लास मेरे से आके, तो मैंने उनका आदर दे दिया है पढ़ाने को, तो मैंने क्लास उनका पहले लिया था. ठीक है, तो नेक्स्ट वन टू हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस ईयर, तो टी ड्रायर से हम आगे चालू करेंगे. ठीक है, तो अटेंडेंस तभी लेंगे हम आफ्टर लंच में. ओके फॉर ऑल.
थैंक यू।